स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पर। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में यानी भारतीय न्याय प्रणाली की संरचना के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी भारतीय संविधान से अपनी रूपरेखा प्राप्त करती है। भारतीय संविधान ने भारत के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है, यानी वह शासन के दोनों अंगों कार्यपालिका और विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र है। तो दोस्तों भारतीय न्याय प्रणाली तीन स्तरों पर स्थापित है, जिसमें सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उसके बाद जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट भी दोस्तों कई भागों में विभाजित है, जिसमें जिला स्तर का न्यायालय और फिर जिला स्तर पर भी दो स्तर के न्यायालय पाए जाते हैं, जिसमें होता है सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट। इसके बाद ग्रामीण स्तर पर आता है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों यह स्ट्रक्चर इंडियन तो दोस्तों यह था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा 28 जनवरी 1950 में की गई थी। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की तो इसे न्यायालयों का न्यायालय कहा जाता है, यानी संपूर्ण देश में पाए जाने वाले जितने भी न्यायालय हैं वे सभी इसके अधीन हैं। बात करते हैं इसके दूसरी विशेषता की तो वह यह है कि यह अंतिम अभिलेख न्यायालय है। यहाँ अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि इसके द्वारा जितने भी निर्णय दिए जाते हैं वह सभी लिखित दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अब बात की जाए इसकी संरचना की तो दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष यानी मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर एवं अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र का सबसे बड़ा न्यायालय है, उसी प्रकार राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट है और इसके अधीन सभी अधीनस्थ व जिला न्यायालय होते हैं। आर्टिकल 214 यानी कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग न्यायालय की व्यवस्था होगी, तो वहीं आर्टिकल 231 यह कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारत में 29 राज्य हैं लेकिन हाई कोर्ट्स की संख्या 24 है। इसका एक उदाहरण गोवा और महाराष्ट्र के माध्यम से लिया जा सकता है जिनका एक संयुक्त न्यायालय है। दोस्तों बात की जाए जिला व अधीनस्थ न्यायालयों की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो भागों में विभाजित होता है, सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट। अगर बात की जाए सेशन कोर्ट की तो यह जिले का सबसे शक्तिशाली न्यायालय होता है। इसे शक्तिशाली कहने का अर्थ यह है कि यह दीवानी और फौजदारी सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है और यदि यह किसी व्यक्ति को इन मामलों में दंडित पा सकता है तो यह उसे बड़ी से बड़ी सज़ा यानी मृत्यु दंड तक की सज़ा दे सकता है, इसलिए इसे जिले का सबसे शक्तिशाली न्यायालय कहा जाता है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इसके न्यायालयों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी।
बात की जाए लोअर कोर्ट की, तो दोस्तों लोअर कोर्ट किसी एरिया विशेष के मामलों को सुनता है। उदाहरण के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ईस्ट दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो एरिया विशेष के मामलों को सुनता है।